निसर्ग तूफान ने यूं तो मुंबई को अपना शिकार बनाया, लेकिन मध्य प्रदेश में भी इसका असर नजर आ रहा है। प्रदेश में तूफान की वजह से लगातार बारिश होती रही, कहीं मूसलाधार तो कहीं रुक रुक कर। इस एक दिन की बारिश ने गर्मी से निजात तो दी, लेकिन किसानों के चेहरे की शिकन बढ़ा दी और गेहूं चने की फसल को लेकर सरकारी इंतजामों की पोल भी खोल दी। प्रदेश में शायद ही ऐसा कोई जिला हो जहां खुले में गेहूं न रखा हो, जिसे बचाने के लिए आनन फानन में फौरी इंतजाम किए गए। यह है सीहोर का हाल, जहां के गेहूं पूरी दुनिया में मशहूर है। वहां गेहूं की फसल बारिश में इस तरह बर्बाद हो रही है। सागर में भी कमोबेश यही स्थिति बनी रही, जहां अनाज खुले में भीगता रहा। सागर जिले की सुर्खी विधानसभा सीट से आने वाले कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का इस मामले में क्या कहना है, जरा ये भी सुन लीजिए। भंडारण की जितनी व्यवस्था हमारे पास थी, उतनी भंडारण की व्यवस्था की है। भंडारण की व्यवस्था जहाँ जहाँ कम है, जैसे सागर में हमारे गोदाम सारे भर चुके हैं, तो 3 दिन पहले ही मैंने सभी अधिकारियों से कहा था कि अब व्यवस्था करिए, तो रैक लगाए गए हैं। रैक लगाने से हमारा गेहूँ हम उज्जैन भिजवा रहे हैं, उज्जैन होशंगाबाद भिजवाया, हमने ट्रकों से रायसेन भिजवाया। व्यवस्था बहुत ज़्यादा की है कि जितना हो सके उतना अधिक से अधिक करें। पन्ना, सतना, रायसेन में भी हालात कुछ जुदा नहीं रहे, जहां खुले में पड़े गेहूं और चना को बचाने के लिए अलग अलग जतन किए गए। अलग अलग जगह के अधिकारियों के पास इस मामले में अलग अलग दलीलें हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई क्या की गई, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसमें जो माल है, जो 11,000 लगभग नहीं हो पाया परिवहन, तो उसमें उनको धीमे से बचाने के समुचित निर्देश दे दिए गए हैं। तत्काल तत्पर व्यवस्था करें, उनको बचाएं, वो धीमे से को ढक दें और उसको तत्काल परिवहन कराएं। मंडी में रखा हुआ समर्थन मूल्य का चना तेज बारिश में गीला हुआ क्या? नहीं हो, कुछ भी नहीं हो पाया। रात में बारिश आई थी तो फिर? एक्चुअली मैं यहीं रुका हुआ था, रात में यहीं रुकता हूँ, तो रात को इमरजेंसी में तिरपाल वगैरह पैक कर दी और हम को इमरजेंसी बुला बुला के पूरा पैक कर दिया, एक भी कटा गीला नहीं। क्या यह मंडी में रखा व्यापारियों का गेहूं गीला हुआ है? हाँ, ये इनका हुआ है। एक दिन की बारिश से ये हाल है, तो सोचिए मानसून में क्या होगा, जो अब सिर पर आ चुका है। बस कुछ ही दिन और मानसून प्रदेश की सीमा पर दस्तक दे रहा होगा। अगर सरकार ने तेजी नहीं दिखाई तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश का किसान किस हालात से गुजरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव MP।